मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व क्रिकेटर सांसद गौतम गंभीर ने सलकनपुर मंदिर वो पहुंचे जहां देवी विजयासन की पूजा अर्चना और देश प्रदेश की खुशहाली की उन्होंने कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सलकनपुर की विजयासन माता ने दिव्य और भव्य स्वरूप के साथ ही यहां विकसित किए जाने वाले देवी लोक में 64 योगिनी प्रतिमाओं के साथ माता के 9 स्वरूप की प्रतिमाएं भी स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री सलकनपुर मंदिर प्रांगण में ही परिसर में विस्तार और विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। सांसद के मशहूर क्रिकेटर गौतम गंभीर, सलकनपुर ट्रस्ट के अध्यक्ष महेश उपाध्याय भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। वहीं सभी दर्शकों ने मोबाइल का टॉर्च चालू कर सीएम और क्रिकेटर गौतम गंभीर का भव्य स्वागत यहाँ पर किया। उसके बाद मुख्यमंत्री क्रिकेट भी खेलते नजर आए। गौतम जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हम अपने बच्चों को क्रिकेट की कोचिंग देना चाहते हैं ताकि और बेटर खिलाड़ी बन सके। तो आप कोई रास्ता निकालिए जिस समय अपने बच्चों को जो बेहतर खिलाड़ी निकले उनकी कोचिंग की व्यवस्था कर पाऊंगी। बोलो खेलोगे? आप कोई रास्ता आपके साथ मिलकर हम ये रास्ता भी निकालेंगे। और इसके साथ साथ मेरे बेटी बेटियों, लखनागंज में तो क्रिकेट का स्टेडियम खेल का स्टेडियम बन रहा है, रहती में भी स्टेडियम बनेगा, यहाँ भी स्टेडियम बनाया जाएगा।